For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Dream Girl एकदम rocket launcher की तरह उड़ गया है और आसमान में उड़ता ही जा रहा है. पूजा डार्लिंग हर किसी को पसंद आ रही है और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ जैसा मैंने कल कहा था कि ये फिल्म जो है डेफिनेटली मंडे के दिन यानी कि महज 4 दिनों में हाफ सेंचुरी मार लेगी और वैसा ही हुआ है. यस जी हाँ, इस फिल्म ने फाइनली 52 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. और क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, चलिए बताती हूँ. फ्राइडे के दिन जब इसका फर्स्ट डे कलेक्शन आया तो सभी दंग रह गए क्योंकि उरी जैसी फिल्म को, राजी जैसी फिल्मों को इस फिल्म ने पछाड़ दिया था. फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है बॉक्स ऑफिस पर. 10.05 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने पहले ही दिन. दूसरे दिन ये फिल्म सीधा जंप लेती है 16.42 करोड़ पे और उसके बाद आता है संडे यानी कि वीकेंड है. ऑफ कोर्स हर कोई अपनी फैमिली के साथ गया होगा पूजा डार्लिंग से मिलने, तो 18.10 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने. उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं जो फिल्म है मंडे के दिन भी इसका ऑक्यूपेंसी रेट एटलीस्ट 50-60% का होगा, जिसको लेकर ये फिल्म अप्रॉक्स 5-6 करोड़ कमा लेगी. लेकिन मेरी प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा ये फिल्म कमा गई और इस फिल्म ने मंडे के दिन कमाई की है 7.43 करोड़. वेल, ये और कुछ नहीं सिर्फ कंटेंट का कमाल है और आयुष्मान खुराना का कमाल है. ओ आई मीन नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर आयुष्मान खुराना का कमाल है. ऐसे ही उन्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिला. ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट एंड दिस फिल्म हैज लिटरली प्रूव्ड दिस बिकॉज उनकी वर्सटैलिटी आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में एज एन एक्टर एंड एज एन एक्ट्रेस. ऑफ कोर्स इस फिल्म ने ऑल इन ऑल 4 दिन में 52 करोड़ की कमाई कर ली है, विच इज अगेन अ ट्रेमेंडस जॉब क्योंकि राजी, उरी और साथ ही साथ छिछोरे जैसी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है महज 4 दिन में हाफ सेंचुरी कवर अप करके. सो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कितना पसंद आया ये फिल्म, देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताओ कि कब देखने वाले हो यार. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ.